नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि 5 फरवरी 2021 को एसएससी का एमटीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला था। मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको बता दिया था, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जल्दी से हम इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शो कर रहा होगा एसएससी एमटीएस 2021-2020 के नाम से, मतलब 2020 में तो फॉर्म ही नहीं निकला था, तो 20 का ये फॉर्म निकला हुआ है। तो देखते हैं, इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कुछ है आप लोग के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एमटीएस में, तो यहाँ देखिएगा मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट करेंगे 5/21/2021 से लेकर 21/3/2021 तक, लगभग एक महीने से ज़्यादा समय तक का आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा लास्ट डेट है आपका 21/3/2021 11:30 बजे रात तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट डेट प्रिंट है, मेन आपको 21/3/2021 आपको याद रखना है कि इस डेट के पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 1/7/2021 से लेके 20/7/2021 तक ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो इसका होगा 21/11/2021 को होगा इसका डिस्क्रिप्टिव का पेपर। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, मैंने बता दिया कि वैकेंसी क्या है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ और है। इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होना चाहिए, एज आपका एक जनवरी 2021 से कैलकुलेट किया जाएगा। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे 18 से 25 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर 18 से 25 साल बोला गया तो आपका डेट ऑफ बर्थ 96 है, 2/1/1996 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप 25 साल में कैलकुलेट होंगे। अगर आपका 18 से 27 वाले एज ग्रुप में है तो 2/1/1994 आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी जाके इसके बाद का होना चाहिए। इससे पहले का है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके बाद का होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रिलैक्सेशन के बारे में, तो एस सी एस टी को जैसा दिया जाता है 5 साल, ओ बी सी को 3 साल का रिलैक्सेशन, और पी डब्ल्यू डी को 10 साल का, और पी डब्ल्यू डी को 10 साल का, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन एक्स सर्विसमैन मीन्स ए पर्सन, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दी कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब 10 पास होना चाहिए मिनिमम, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर मौका है आपके पास है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, उसके बाद अगर बात करें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं दिखा दूंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है। आपने आईडी बनाया होगा, कोई भी फॉर्म पहले फिल किया होगा तो आप भर सकते हैं, वहीं से उसी लॉगिन कीजिएगा तो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा अमाउंट कितना फ़ी करना है, पे करना है 100 रुपये पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन फ़ी, ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया था। ये एग्ज़ाम सेंटर कोड के बारे में बताया जा रहा है कि सेंट्रल रीजन में आपके कौन कौन से आएंगे, तो वो तो आपको अपने आप जिस रीजन में भी आप सेंटर दीजिएगा उसी रीजन के हिसाब से आपका एसएससी बोर्ड होगा, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं, सेंटर तो आप अपने सुविधा के अनुसार दीजिएगा। आगे अगर बात करें स्कीम ऑफ, ये एग्ज़ाम जो होता है ऑल इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, तो ये नहीं सोचिएगा कि आप जो कट ऑफ होगा स्टेट वाइज जाएगा, यहाँ कट ऑफ ओवरऑल जाता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम पता है आप लोगों को कि 4 सेक्शन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए होते हैं। 25-25 नंबर का चारों सेक्शन होता है, 25-25 मार्क्स का भी होता है, 90 मिनट आपको समय मिलता है, और जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट है उनको 120 मिनट का समय मिलेगा। पेपर वन कंसिस्ट है ऑब्जेक्टिव है, पेपर टू पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, मतलब पेपर वन जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में होगा सभी, केवल इंग्लिश को छोड़ के। आगे देखिएगा नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब एक क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 0.25 नंबर आपका कटेगा। मार्क्स जो होगा कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर वन का कैलकुलेट किया जाएगा, उसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट के निकाला जाएगा नॉर्मलाइज करके, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका सिलेक्शन या कट ऑफ निकाला जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी आंसर की जब निकलेगा, तो अगर आपको लगता है किसी आंसर पे आपको डाउट है, तो आप 100 रुपया दे के पर क्वेश्चन पे 100 रुपया आपको चार्ज लगेगा, आप चाहे तो उस पर चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा अगला जो पेपर होगा पेपर टू होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर पेपर वन में क्वालिफाई होते हैं तभी इस पेपर के लिए अप्लीकेबल होंगे, जहाँ पे इंग्लिश से लेटर राइटिंग
अरे शॉर्ट है लेटर राइटिंग इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको आता है। एट शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दिया हुआ है, 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में आप 50 नंबर के क्वेश्चन लिख सकते हैं। 50 नंबर के मिनिमम मार्क्स होगा 50 नंबर, और 30 मिनट का आपको समय मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें, पेपर टू विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन पेपर मोड, पेन पेपर मोड में आपका एग्जाम होगा पेपर टू, और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इस पर कट ऑफ नहीं बनेगा, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ इंडिकेट सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस आप देख लीजिएगा कि यहाँ सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का, तो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का जो एसएससी के एग्जाम के लिए होता है वही सिलेबस आपको यहाँ दिया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यहाँ दिए हुए हैं, न्यूमरिकल यहाँ दिए हुए हैं, न्यूमरिकल आप देख लीजिएगा, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को। पेपर टू विल बी सेट इन दी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज मेंशन इन इट शेड्यूल, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखिए, यही चीज़ लिखा हुआ है। एडमिशन उसके बाद अगर एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद का प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसपे फोटो होगा, जिसपे डेट ऑफ बर्थ होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, और एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है, तो वो सब तो बाद में, पहले देख लीजिएगा। और प्रेफरेंस स्टेट यूनियन यूटी ऑल इंडिया ये देख लीजिएगा आप, मतलब प्रेफरेंस कैसे देना है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है उससे आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और यहाँ देखिएगा, सबसे नीचे जाएंगे तो कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है यहाँ बताया गया है, एक एक चीज़ बताया गया है। फोटो पर डेट और टाइम लिखना, डेट लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि अब डेट लिखना इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, जब भी आपने खिंचाया उस डेट को आपको देना है, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।